इलाका फेमस है अपनी बेड़े के लिए। दिल्ली साइड चले जाओगे यही बेड़े ही बेड़मी कहलाने लगती है, और दूसरे इलाकों में जाएंगे तो पूड़ी को ही थोड़ा उसके अंदर दाल की फिलिंग करके उसको कुछ और नाम दे दिया जाता है। सो बेड़ी जो है इस प्रकार दिखती है। सो आइए देखते हैं कि बेड़ी बनती कैसे है। बेड़ी के लिए गेहूं के आटे को दरदरा पीस लिया जाता है, फिर इस आटे को लगाते समय बेसन एंड कई स्पेशल मसालों की पिट्ठी को साथ में ही बेला जाता है, जिसके कारण बेड़ी को अपना एक नटी सा एक होलसम फ्लेवर मिलता है। देन इसको पूड़ी के आकार में बेलकर गर्मा गर्म कढ़ाई में तला जाता है जब तक ये ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे ही बेड़ी तैयार होती है इसको गर्मा गर्म फूली फूली सर्व करा जाता है एकदम तीखी आलू की सब्जी के साथ, एंड ऊपर से हल्का सा दही जिससे कि क्रीमीनेस ऐड हो सके। नाउ लेट्स टेस्ट इट। बताते हैं कैसा है। बेड़ी जो है वो बेसन डला होता है उसमें, जिसके कारण एक नटी फ्लेवर आता है हल्का सा। सब्जी बहुत स्पाइसी रहती है, बहुत स्पाइसी, तो एक नटी फ्लेवर प्लस स्पाइसी फ्लेवर एंड थोड़ा सा दही जो है वो क्रीमीनेस ऐड कर देता है इसके ऊपर, जो कि टोटली फ्लेवर चेंज कर देता है एकदम से एंड में हिट लाके। ब्रिंग डाउन द हॉटनेस एंड स्पाइस टिंगलिंग फ्लेवर्स। एकदम ताजी जूसी एंड क्रिस्पी जलेबीज बनाई जाती हैं, एंड इनको बहुत खैरा सेका जाता है, गर्मा गर्म बेड़ी के साथ खाया जाता है। कहीं मिलती है केसर की जलेबी तो कहीं मिलती है गुलाब जल की जलेबी। आपको किस तरह की जलेबी पसंद है ये बताएं। तो चलते हैं बेड़ी पर। डेजर्ट क्वीन, एंड फिर उसको हल्का सा सेव के साथ मिला के खाया जाता है। फ्लेवर बहुत ऑसम आता है, सेवरी एंड स्वीट ऑल टुगेदर एट सेम टाइम, क्योंकि ये घी के सेव है, घी की जलेबी है, जब मिलते हैं बहुत अच्छा एक नटी फ्लेवर, एक बहुत एरोमेटिक फ्लेवर आता है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डेजर्ट कॉम्बिनेशन। जैसा कि लोगों को हॉट चॉकलेट आइसक्रीम विथ ब्राउनी फज पसंद होता है, मुझे जलेबी विथ सेव पसंद है। एकदम चाटनी से भरी जलेबी और हल्का सा सेव, स्वीट एंड सार का एग्जैक्ट बहुत प्यारा मिश्रण, इतने की चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाए। सो आज हम खड़े हैं मदन हलवाइया, मुरैना के बहुत फेमस बेड़ी बनाने वाले, नाश्ता प्रोवाइड करने वाले हमारे भैया हैं। और छोटू भैया अब बताएंगे कि बेड़ी होती क्या है एक्चुअली। बेड़ी एक्चुअल में क्या होता है, मोटे आटे की बेड़ी बनाई जाती है। जो आटा होता है वो नॉर्मली थोड़ा मोटा पीसा जाता है। अच्छा। जो आटा होता है उसको मार के रखा जाता है 15 से 20 मिनट, जिससे क्या होता है उसका जो दाना होता है वो पानी उठा लेता है। ओके। तो बेड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती, क्रिस्पी भी क्रिस्पी हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखा जाए तो बेड़ी, कचौड़ी, पूड़ी और बेड़मी, ये चार चीजें हैं जो कि एक जैसी हैं, लगभग हल्का हल्का डिफरेंस है। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ बेड़मी और बेड़ी में क्या फर्क है। बेड़मी एक्चुअल होता है क्या, दिल्ली साइड चलती है तो अच्छा होती है, थोड़ी भारी कांटे की। अच्छा। और बेड़ी जो होती है वो होती है पूड़ी और कचौड़ी के बीच का वर्जन है बेड़ी, ऐसा कहा जा सकता है। कचौड़ी बनती है मैदे की। अच्छा। हाँ, मैदे की बनती है, दाल भर की बनती है। ठीक है। और बेड़ी जो होती है वो मोटे आटे की बनती है, जिसमें के अंदर बेसन की पिट्टी भरी जाती है। ओके। और बेड़मी जो होती है वो बारीक आटे की बनती है। ठीक है। तो ये बेसिक अंतर रहता है इन सब। अच्छा। तो बेड़ी, एक अच्छी बेड़ी सब्जी की पहचान क्या है। एक अच्छी बेड़ी की सब्जी की पहचान यही है कि बेड़ी जो होनी है वो क्रिस्पी होनी चाहिए, और जो सब्जी होनी चाहिए उसमें ऑयल कम होना चाहिए, हरी मिर्च और गर्म मसाले की होनी चाहिए। अच्छा जी। तो ज्यादा तरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तरी तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा। हमारी सब्जी में तरी नहीं मिलेगी आपको, वो नुकसान देह होती है। ओके। गरम मसाला, हरी मिर्च, ये बेस रहती है इसके। अच्छा। और मसाले तेज रहते हैं।
मसाले हरी मिर्च थोड़ी तेज रहती है, उससे टेस्ट अच्छा बनता है। और ये जो सब्जी रहती है हमारी वो लोहे की कढ़ाई में बनती है, जो नुकसानदायक नहीं होती है। काफी न्यूट्रिशन रिच हो गया देखा जाए तो, मोटा आटा है, फाइबर रिच फूड हो गया, और साथ ही साथ सब्जी में काफी सारे कॉन्डिमेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन चिलीज हो गया, तो आपका मेटाबॉलिज्म काफी हाई रहता है। तो जनरली देखा जाए तो बेड़ी किस चीज के साथ खाई जाती है और कैसे खाई जाती है? बेड़ी के साथ चलती है सब्जी जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल, और नॉर्मल ये पत्ते वाले दोने में ली जाती है, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ओके, तो छोटू भैया से पूछा जाएंगे कि मतलब मदन हलवाई क्यों, ऐसा क्यों हम यहाँ पे आके क्यों खाएं? बेड़ी जो एक्चुअल में है वो हमारे पिताजी ने शुरू की थी, करीबन 45 से 50 साल हो गए और इस दुकान को 43 साल हो चुकी है। तो बेसिक बेड़ी जो है वो हमारे हम ही लोगों ने शुरू की थी। अच्छा, यही है। तो भैया एकदम मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं, प्रो लेवल। हाय गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, किसी के साथ शेयर करो, अगर वो कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इफ दे आर अ फूडी, इफ दे लाइक टू वॉच फूड वीडियोस। प्लस आई हैव अ सरप्राइज, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज सजेस्ट मी द नेक्स्ट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर मुझे पसंद आया देन आई वुड हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सो देयर वुड बी टू कूपन्स फॉर Zomato एंड आपको मिल जाएंगे। सो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।